press the bell icon for all the updates. सो बिग बॉस का फैसला हो चुका है, इस हफ्ते एविक्ट होकर प्रियांक शर्मा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो प्रियांक, सबसे पहले तो वेलकम ऑन टेलीविजन। थैंक यू सो मच टेली मसाला। किस तरह की जर्नी रही है प्रियांक आपकी? मेरी जर्नी, जैसे मैं हमेशा से बोलता आया हूँ शो में, बहुत एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। जब मैं एक बहुत अच्छे पीक में घर के साथ आया, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ आया, प्रेशर भी था कहीं ना कहीं कि हमें खड़ा उतरना है उन एक्सपेक्टेशंस पे। पर कहीं ना कहीं ऐसा भी आया कि गलतियाँ करीं, डाउनफॉल देखा, बहुत डिप्रेस्ड भी हुआ बीच में, थैंक्स टू बिग बॉस की, उनकी वजह से। सलमान भाई सिखाया मुझे इतनी गलतियाँ, और बहुत मुश्किल होता है फाइट बैक करना, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था मैं गिव अप कर रहा था, लेकिन मैंने फ़ाइट बैक किया बहुत स्ट्रॉन्ग और वापस उठकर आया। आप लोगों ने देखा लास्ट के 3-4 वीक्स में, दैट थिंग वॉज गेटिंग बैक अगेन, एंड आई एम रियली सैटिस्फाइड कि मैं हूँ जो था वो वापस बन के आया। सो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर हम लव की बात करें तो लव और आपका अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड ही था आपका निकलना, तो आपके लिए वो शॉकिंग रहा या? ये शो शॉकिंग और सरप्राइजिंग से ज़्यादा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ शो में कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आप कभी भी नॉमिनेशन में जा सकते हैं। व्यूअर्स डिसाइड करते हैं कि आपने कितना अच्छा गेम खेला है, कितना अच्छा, तो हम उनके ऊपर ये चीज़ छोड़ते हैं कि वो उनको जज करना चाहिए, हमें तो अपना कर्म करना है, हम वही कर रहे हैं। तो नथिंग इज़ सो बेसिकली यू नो शॉकिंग और यू नो लाइक कि क्या हो गया। आई थिंक गुड फॉर हिम एंड गुड फॉर मी ऑल्सो, जितना मुझे था, जितना मेरी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला। अच्छा, हीना और लव की अगर मैं बात करूँ तो आप तीनों की फ्रेंडशिप पूरी एकदम ट्रेंड कर रही थी यूट्यूब पर, बट अचानक से ऐसा क्या हो गया जो एकदम सडनली इस मोड पर आकर तीनों तीन तरफ हो गए? नहीं, हमारी गेम है, पहली बात एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, नैरो होता जा रहा है सब, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कभी आपको कुछ चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं आपकी दोस्ती टूट जाती है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी ट्रेंड कर रही है, हमारी आज भी दोस्ती उतनी अच्छी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी को आपके बारे में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, तो वो चीज़ सामने आती, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेरे और विकास के बीच में भी ऐसा रहा है। बस इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे दोस्त नहीं, हम सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक शो है, मैं द बेस्ट पर्सन विन, सो लेट्स सी। अच्छा, आपके और विकास की अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली क्या हो गया जो आपको उनकी कोई भी एडवाइस या कुछ भी हो तो वो बहुत निगेटिव लगने लगी, आपको लगा कि वो आपको रूल कर रहे हैं? हाँ जी, तब उस टाइम पे था कि मैं एक चाहता था कि मैं खुद से स्टैंड लूँ, उन्होंने मुझे बहुत एडवाइसेज दी, बहुत अच्छी एडवाइसेज दी लाइफ में, पर एक टाइम होता है कि मुझे भी रहता है कि अब अपने आप को खुद से प्रूव करना है, यू नो। अब मैं खुद काफ़ी चीज़ें, जब मैं रोडीज में भी खुद से करके आया, स्प्लिट्स में भी, तो एक खुद से हो जाता है कि करना है, और ऐसा भी बीच बीच में रहा कि तब बहुत अच्छा था कुछ फर्स्ट वीक था, बट फोर्थ वीक तक आते आते ना सबके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ गए, मेरे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए, बिकॉज गेम इंटेंस हो रहा है, मिडिल हम एज में पहुँच रहे हैं गेम के। सो यू नो आई फेल्ट कि मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, उनको पसंद आया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्ती टूट गई। अभी आप देख सकते हैं पिछले 2-2.5 हफ्ते से 3 हफ्ते से कि हम फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और वही एक पार्ट है इस शो का, एक लाइफ का भी ये पार्ट है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, इट्स ऑल दैट। अच्छा, शिल्पा की अगर बात करूँ तो शिल्पा ने हितेन के अपोजिट आपको चुना घर में रखने के लिए, आपको उन्होंने सेव किया, ये कितना एक्सपेक्टेड था? आपको लग रहा था कि हितेन भैया, हितेन के आगे आपको वो पसंद करेंगी? उन्होंने मुझे बोला था, बिकॉज शिल्पा जी और मेरे बीच में बहुत हमारी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी, शिल्पा जी और मेरी, हम थोड़ा हंसी मजाक करते थे, वो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और हम खाते थे, मैं सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था शायद शिल्पा जी हितेन भैया का नाम ले, बट उनको लगा कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको लगा कि मैं ज़्यादा एक्टिव था गेम में और मैं ज़्यादा डिजर्विंग था, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम लिया। और जाते जाते अर्शी भी आपको सेव करके, अर्शी सेव करके, सी, तो दैट वॉज अ ब्यूटी ऑफ द गेम, जिनके साथ मेरे प्रॉब्लम्स भी थे दैट ऑल गॉट सॉल्व। अर्शी और शिल्पा जी दोनों मेरे अच्छे दोस्त बने शो में, यू नो बहुत एक दूसरे को पसंद किया, थोड़ा सा नापसंद भी किया, वो है पार्ट, शो का पार्ट है, आप करते हैं चीज़ें, बट दोनों मेरे दोस्त बने, दोनों ने मुझे बचाया और आज आप देखिए। अच्छा, एक बात थी जो काफ़ी हाइप क्रिएट कर रही थी घर के अंदर से भी और बाहर से भी, फैंस काफ़ी मतलब जानना चाहते थे कि लाइक आपकी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, जो बहुत मतलब अजीब ही तरीके से सामने आई कि आपने कहा कि आप पहले कर चुके थे और दिव्या ने अंदर आकर किया, तो वो क्या था? मतलब वो बेसिकली यही था जो मैंने तब बोला था कि हम, मैं पहले ही ऑलरेडी, जब दिवाली के नेक्स्ट वीक था, जब मैं जाने वाला था घर के अंदर, तब चीज़ें मेरी और दिव्या की जो रिलेशनशिप था, वी थॉट दैट ओके लेट्स जस्ट डू इट फॉर एन एंड, मे बी शायद उनकी, और उसके बाद मैं सीधा घर पे आ गया, तो मुझे पता नहीं था उनके दिमाग में उस टाइम पे चल गया, मे बी शायद उनको लगा कि उनकी तरफ से अभी और कुछ है, तो आए, उन्होंने शो में क्लियर आउट किया और मैं भी इमोशनल हुआ उस चीज़ को लेके, और मैं और भी चीज़ें एक्सपेक्ट, मैं मॉम को भी एक्सपेक्ट कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं उस चीज़ को लेके ज़्यादा इमोशनल हो गया, मॉम नहीं आई बेसिकली और दिव्या आई, तो
ठीक है कोई बात नहीं, पास था, हो गया, वो चीज़ें उनके उनके सामने अब चीज़ें क्लियर है, मेरे सामने चीज़ें क्लियर है, मैम यार हम करियर में आगे जाना चाहते थे। करण जौहर जैसे बड़े डायरेक्टर की भी फिल्म में आप आने वाले, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पार्टी से होने वाले, इट्स ये अगर जब भी कुछ ऐसा कुछ होगा तो आपको जल्दी पता चलेगा। लेट्स सी, लेट्स होप, हमें अभी 24 घंटे भी नहीं हुए तो मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली बार हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आई हैव गॉट टू नो, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा नागिन 3 का हिस्सा रहने वाले हैं ये भी, मुझे सच में कुछ नहीं पता अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बीट भी नागिन और यू नो बीट भी करण सर, और बिकॉज इट्स जस्ट द 24, अभी मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए एग्जैक्टली कि क्या है क्या नहीं हो रहा, लेट्स सी, अभी जाऊँगा ख़त्म करूँगा, get back to work, थोड़ा सा rest लूँगा, फिर I'll get back to work and let's see what's gonna happen। अच्छा घर की अगर मैं बात करूँ lastly, तो किससे दोस्ती बाहर तक भी रहने वाली है और किससे खत्म हो चुकी है? मैं सबसे दोस्त रहने वाला हूँ, आप मेरा फोन देखेंगे ना जो अभी भी सबके मैसेजेस आए हुए हैं, बीट भी अभी मैं जस्ट अर्शी का ही मैसेज पढ़ रहा था, अर्शी कह रही थी क्या हो गया कहाँ से आ गया, और मैं बिनाफ्शा से भी बात ही कर रहा था, सभ्य सांची का भी मुझे टेक्स्ट आया, बंदगी से भी मैं जस्ट फोन पे मेरी बात हुई, तो इट्स मैं सबसे बहुत अच्छे टर्म्स में रहना चाहता हूँ और सब आई एम सो श्योर मुझसे भी रहना चाहेंगे, बिकॉज इट्स अ गेम शो, खत्म हुआ, लाइफ एक असली गेम शो है, यहाँ पे अगर साथ चलेंगे तो और ज़्यादा तरक्की करेंगे और ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, सो दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा लास्टली कौन लगता है कौन जीत सकता है कोई? मैं मुझे ये पता नहीं, टॉप 3 मैं बता सकता हूँ, मैं चाहता हूँ शायद विकास जाए, बिकॉज बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश भी होते हैं दोस्त को लेकर, और हिना अगेन मैं दोस्ती की बात करूँ और बहुत अच्छा गेम भी खेला हिना ने, डिजर्व भी करती है, और कहीं ना कहीं जो सबकी फेवरेट हैं यहाँ पे शिल्पा जी, जिनको सब बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि वो जाएँ, डिजर्व करती हैं, टॉप 3 में पहुँचे और मज़ा आएगा देखने में। अच्छा फैंस ने 13 हफ्ते तक आपको हाँ जी प्यार दिया है, उनके लिए कोई लास्ट? फैंस को मैं बोलना चाहता हूँ दैट 2017 इज़ जस्ट 13 वीक्स, तो उसके लिए थैंक करूँगा मैं, उससे ज़्यादा बड़ा जो है उनको थैंक्स करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बींग सो काइंड, 2017 में जो भी मैं बना 7 से 8 महीनों में एक ऑर्डिनरी लड़का था, आज मैं इधर टेरी मसाला के साथ इंटरव्यूज दे रहा हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर मेकिंग माई 2017 सो ब्यूटिफुल, एंड यू नो मेरे डाउनफॉल्स में भी और मेरे अपफॉल्स में भी आप लोगों ने मेरे साथ रहे और मुझे हमेशा फैमिली की तरह सपोर्ट किया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम ओवर हियर, एंड 2018 इज द नेक्स्ट, लेट्स सी क्या होने वाला है, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग, आई अश्योर यू दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन परिश के साथ अनुराधा ठाकुर, टेली मसाला।